Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. मीना, मैंने सबसे 9 बजे ही आने के लिए कह दिया था और अब 9:30 बज रहे हैं। तुम्हारे और मनीष के अलावा और किसी का पता नहीं। ये क्या जूली, ये कोई टाइम है आने का? पता है पूरा आधा घंटा लेट हो। आई एम सॉरी सोनिया, लेकिन तुम्हें जो कहना है इससे कहो, मैं तो कब के आ गई होती, इसके वजह से लेट हो गया। कम ऑन सोनिया, तुम तो जानती हो जय को जिम जाने का कितना शौक है। वैसे भी तुम्हारे घर का रास्ता तो जिम से होकर ही आता है, तो साहब रुक गए होंगे एक्सरसाइज करने के लिए। इन्हें हिंदी फिल्मों का जो टार्जन बनना है। देखो जूली, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम अकेली चली जाओ। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब तक मैं एक्सरसाइज न कर लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। ये बात है, ठीक है मैं अकेली ही चली जाऊंगी, पर बाहर में तुम जाओ और तुम्हारी एक्सरसाइज। ओफो, पता नहीं तुम दोनों की ये लड़ने की आदत कब जाएगी। सच्चा ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते, फिर भी जब देखो तब एक दूसरे से लड़ते रहते हो। इन्हें छोड़ो सोनिया, अब तक समीर और सिमरन नहीं आए, फिर आपके राज साहब भी तो नहीं आए। अरे अरे, राज अभी तक नहीं आया या कभी टाइम? राज का नाम लिया और राज हाजिर है। ए हाय, हाय दोस्त, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग लेट लतीफ। लेट लतीफ, हाय, हाउ आर यू सोनिया? राज, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, सुरजे वाला अभी तक आया नहीं?
सुरजे वाला तो कौन बनेगा करोड़पति में, थोड़ा स्वाद। इसमें ना खर्चा है ना लागत है, लेकिन इनाम 1 करोड़ रुपया है। मैनू बताओ कि बचपन की मूछो की साइज की है, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर और अनंत। मेरे ख्याल से अनंत। सही जवाब। अपन की मूछों की तारीफ होती है तब वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैल जाती है। क्या बात है, क्या शेर है यार। एक बात तो बता। हाँ जी। ये तुझे शेरो शायरी का शौक कब से हो गया? ये मेरी शेरो शायरी नहीं है, ये मेरी 6 लाइना है। 6 लाइना? अरे 6 लाइना क्या है? अरे आपने अपने मशहूर कवि महेंद्र शर्मा जी का नाम तो सुना होगा। किसने नहीं सुना? उनकी खासियत ये है कि वो अपनी हर बात 4 लाइनों में सुनाते हैं। हाँ, उसी तरह मैं अपनी हर बात 6 लाइनों में सुनाता हूँ। मेरी ये 6 लाइना उनकी 4 लाइना का तोड़ है। ओ देख भाई, हम हमारा ये कवि सम्मेलन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि हमें लंबे सफर पे जाना है और बहुत दूर जाना है। कम ऑन गाइस, गाड़ी में बैठो और अपना सामान डालो। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बैठो दोस्त, जाना है। सब ठीक है? सब बैठ गया एकदम फर्स्ट क्लास आराम से। ओके कम ऑन। अब बाबूजी बाबूजी की जा रहा है, मैं इनकी गाना गाता हूँ यार। अंतर से चले कम ऑन चप्पल चप्पल चल रखा चले बोनी बोनी गानियाँ चली डिक्की में सरदार जी ने बैठे चप्पल चप्पल चल रखा चले जिंदगी का सफर क्या मौसम है यार। बड़ी बड़ी भैया मजा आ रहा है। अभी यार थोड़ा पकाना बंद करो, थोड़ा चुप बैठो। ओके अरे क्या बात है, क्या बात है। सफर हरी मौसम। अरे अरे रुक रुक रुक, एक मिनट मैं उसको पूछ के आता हूँ, जरा एक मिनट। अरे भाई साहब। बोलिए भाई साहब, मेरा नाम सलीम है, दुकान का नाम सलामत।
बोलिए आपको चाय चाहिए या कॉफी? चाय का 2 रुपया और कॉफी का 5 रुपया। नहीं भाई साहब, क्या दूं आपको? मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ से चंदनपुर जाने का रास्ता कौन सा है? चंदनपुर जाने का रास्ता तो बहुत दूर है और शाम ढल रही है, रास्ता बहुत खतरनाक है। आप लोग यहीं कोई लाश देख के रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। मतलब ये कि आप कहना चाहते हैं कि रास्ते में चोर डाकुओं का खतरा है? नहीं भाई साहब, वहाँ चोर और डाकू भी जाने की हिम्मत नहीं करते। रास्ते में खौफनाक जंगल है, वहाँ पर अजीबोगरीब हादसे हुआ करते हैं, वहाँ रात के वक्त कोई नहीं जाता। कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए भाई साहब, सलामत दुकान का नाम है, सलामत रहने की सलाह देता हूँ, आगे आपकी मर्जी। क्या है, सामान उतारो निकलो। अरे करना शरना क्या है यार, सामान सामान उतारो और महल के अंदर एंटर। चलो भैया आजा काके, आजा बाहर आजा। यार राज, एक बात तो बता यार, अच्छी जगह, कहीं तेरे दादा परदादा राजा महाराजा तो नहीं थे? होने तो क्या, सारा दोस्त भी कोई राजा महाराजा से कम थोड़ी ना है। और यार किसका है? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ये राजमहल जरूर है, लेकिन मेरा इस राजमहल के साथ दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। बरसों पहले ये किसी राजा का राजमहल हुआ करता था, लेकिन हमारा देश आजाद हुआ, राजाओं और जमींदारों से उनका राज छीन गया। अब ये पर्यटन विभाग के अंडर में है, जो लोग चंदनपुर घूमने आते हैं ना, वो सब यहीं ठहरते हैं। यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, दरवाजे पर वॉचमैन भी नहीं है। वॉचमैन? अरे ये वॉचमैन कहाँ गया? वॉचमैन, वॉचमैन! अरे वॉचमैन! अरे यार वॉचमैन, अरे कोई है क्या? कोई नजर नहीं आ रहा? ओ वॉचमैन, सारा महल सुनसान है यार। सच कहा? वॉचमैन! ओ माय गॉड, ये तो सचमुच डरावनी हवेली लग रही है। अरे वाह, चलो यार, डर लग रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा यार। हाँ?
काका? काका? हाँ, हाँ, कुछ नहीं साहब, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम शहर से यहाँ चंदनपुर घूमने आए हैं, कुछ दिन ठहरना चाहते हैं। क्या हमें कुछ कमरे मिल सकते हैं काका? कमरा क्या, यहाँ तो पूरी हवेली खाली है। आप जितने दिन चाहें यहाँ आराम से रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मगर मगर क्या? एक बात बताइए साहब, ये जो आप लोगों के साथ युवतियाँ हैं, आप लोगों की पत्नियाँ ही हैं ना? क्या मतलब? जी वो मेरा मतलब है कि आप लोग शादीशुदा ही है ना? अजी अभी तो ये लैला मजनू है, शादीशुदा तो नहीं है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जल्दी मियाँ बीवी बन जाएंगे। और मियाँ बीवी क्यों, बल्कि माँ बाप भी बन जाएंगे। क्यों, कोई एतराज है? नहीं, हमें क्या एतराज हो सकता है। आइए अंदर आइए। चलो 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 चलो, सब लोग अंदर आओ, आइए आगे बढ़िए। बड़ो बड़ो भाई, देखा ना काका को? हाँ तो सही, यार तो सही कह रहा है, गांव के लोग वाकई में भोले और सीधे साधे होते हैं। सही, ठीक है। बीना, उस वॉचमैन को देखा यार? बंगला का बहुत पुराना लगता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी शक्ल देखी थी, शक्ल ऐसे लग रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म का कैरेक्टर। अरे वाह, बढ़िया है, हवेली दिख रही है, बहुत ही डरावनी जगह है। राज, तेरे तो दादा परदादा सही में राजा महाराजा होंगे। वाह, देखने अच्छा किया हुआ है। क्या बढ़िया है, डरावनी, क्या हवेली है। अरे यार ऐसा लगता है कि जैसे राम से की फिल्म का कोई सेट लगा हुआ है यार। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल यार, कम ऑन यार, कम ऑन यार, मैं बहुत इट्स वेरी रोमांटिक प्लेस यार, इंटरेस्टिंग। ए क्या लगता है तुझे? यार समीर तो एकदम सही कह रहा है, गांव के लोग वाकई में बहुत सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। राज तुम भी ना, तुमने उस वॉचमैन को देखा? जिस तरह से तुम्हें देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी शक्ल तो ऐसे लग रहा जैसे किसी हॉरर पिक्चर का कैरेक्टर हो। इतनी रात गए खाने का इंतजाम नहीं हो सकता, आप लोगों के लिए सोने का कमरा ठीक कर दिया गया है। हाथ मुंह धोकर आप लोग आराम कीजिए, वो रहा गुसल खाने का दरवाजा। यार ये वॉचमैन मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहा। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकार लीजिएगा। हाँ हाँ पुकार लूंगा। कि गांव का खाना भी इतना बढ़िया होता है। वाकई बड़े दिनों के बाद शुद्ध घी के पराठे खाने को मिले। अरे कसम है नाना दी, पराठे खा के तो मजा आ गया, देसी घी के पराठे पे मेरी छिलाई ना है। हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी से मत पका प्लीज। अरे एक तो सुन लो मेनू, रोज सवेरे खाओ यारो देसी घी दा पराठा, आएगी गालों पे लाली, हो जाओगे ठाठा, हो जाओगे ठाठा, गलिए लाख टकादा, कहे ये सुरेंद्र सुरजे वाला असी पंजाब दा पट्टा। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब आप अपना नाम तो बता दीजिए। जी मैंने आपसे आपका नाम पूछा।
इसका नाम रधिया है, बोल नहीं सकती, बचपन से गूंगी है। गूंगी? वॉचमैन काका, आप बता सकते हैं कि यहाँ कोई घूमने लायक जगह है कि नहीं? चंदनपुर की तीन चीजें मशहूर हैं, एक चंदनपुर की नदी, दूसरा शिव मंदिर और तीसरा चंदनपुर का चुप खामोश जंगल। मगर 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 क्या हो सके तो आप लोग जंगल की तरफ न जाएं, यही अच्छा होगा, क्योंकि शाम ढलने के बाद जंगल में कोई नहीं जाता। राज, क्यों ना हम पहले नदी किनारे चले, मुझे नदी किनारे का खूबसूरत और शांत माहौल बहुत अच्छा लगता है। हाँ राज, सोनिया ठीक कह रही है, हम सबको नदी किनारे जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पहले हम लोग शिव मंदिर चलकर भगवान के दर्शन करते हैं। नहीं मीना, शिव मंदिर यहाँ से काफी दूर है और अभी सफर की थकान भी नहीं गई है। एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग नदी की तरफ चलते हैं, वो यहाँ से काफी पास है। आई थिंक वी ऑल विल मूव मूव। चलो 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 बाय। चलो बचाओ, चलो कम ऑन गाइस। कितना प्यार है ये कह नहीं सकते, पर तुमसे कितना प्यार है ये कह नहीं सकते। इतना कहते हैं सनम, बिन तुम्हारे अब तो हम जिंदा रह नहीं सकते, जिंदा रह नहीं सकते। तुमसे बिछड़ के साथिया
जीना सकेंगे हम तुमसे बिछड़ के साथिया जीना सकेंगे हम बिछड़ के जानम हम रह नहीं सकते तुमसे बिछड़ के जानम हम रह नहीं सकते इतना कहते हैं सनम बिन तुम्हारे अब तो हम जिंदा रह नहीं सकते जिंदा रह नहीं सकते अरे तुमसे कितना प्यार है ये कह नहीं सकते इतना कहते हैं सनम बिन तुम्हारे अब तो हम जिंदा रह नहीं सकते जिंदा रह नहीं सकते जिंदा रह नहीं सकते जिंदा रह नहीं सकते कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया है चलो थोड़ा कुछ खा लो नहीं सोनिया मुझे भूख नहीं है अरे राज डोंट टेक टेंशन यार अरे मीना मनीष कोई बच्चे थोड़ी ना है वो समझदार है घूमने गए होंगे यहीं कहीं आ जाएंगे तू टेंशन मत ले यार तू खाना खा यार तू खा रे यार तू खा हाँ राज सुरजे वाला बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम नाश्ता कर लो प्लीज नहीं सिमरन मुझे लगता है कि हम लोगों को उनकी गुम होने की पुलिस कंप्लेंट लिखानी होगी ठीक है लिखवा देते हैं पुलिस कंप्लेन वॉचमैन वॉचमैन काका वॉचमैन काका जी जी साहब वॉचमैन काका यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या वॉचमैन जी पुलिस चौकी यहाँ से बहुत दूर है लगभग घंटे भर का रास्ता है घंटे भर का रास्ता है कोई बात नहीं बॉस चलना ही पड़ेगा चलो यार हम चलो चलो हम लोग कंप्लेन चलो यार और खाना भी नहीं खाने देना चलो, चलो जल्दी बैठो पता नहीं, नहीं कहाँ गए जल्द से जल्द जल्दी जल्दी बैठो यार गाड़ी में बैठो तुम पीछे बैठो कम ऑन फास्ट हरी अप चलो बैठो यार जल्दी रधिया अरे रधिया बाबू लोगों के लिए खाना बना दिया है अच्छा अच्छा ठीक है जल्दी से खाना वाना बना ले बाबू लोगों को खिला देना
मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, आने में देर होगी, जंगल जा रहा हूँ, समझ गई ना? क्या है? अरे बाबा ठीक है, तुम बाबू लोगों को खाना खिला के अपने घर चली जाना बस। हाँ तब तक मैं आ जाऊंगा। Thank you.
सो भी जाओ। सोने की तो कोशिश कर रहा हूँ पर नींद ही नहीं आ रही है। इस मनीष के बच्चे ने तो सारा मूड खराब कर दिया। हाँ समीर, तुम बिल्कुल ठीक ही कहते हो। सोचा था इस खूबसूरत माहौल में साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खूब प्यार करेंगे, मगर इस बंद कमरे में मेरा दम घुट रहा है। चलो बाहर खुली हवा में घूमाते हैं। पागलों जैसी बातें मत करो, रात काफी हो चुकी है। और वो बूढ़ा वॉचमैन, वो हमें साथ दिखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? कौन बेवकूफ बाहर जाने की बात कर रहा है? हम लोग पिछले दरवाजे से निकल चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर खुली हवा में थोड़ी देर साथ रहेंगे तो मन बहल जाएगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो। अब चलो भी। हाँ, ये तो अंदर तो दम ही घुट रहा था। कितना अच्छा मौसम है। कौन है जी? मैं देखने आया था, पानी वानी की व्यवस्था तो ठीक ठाक है? सब ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है साहब? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जाओ 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 जी। और हाँ, जरा जाते वक्त दरवाजा बंद कर जी। बहुत अच्छा। क्या अजीब आदमी है, डराते रहते है। तुम जा सकते हो। अच्छा, चलता हूं। सिमरन, सिमरन, समीर, समीर, सिमरन, सिमरन, समीर, सिमरन। अरे सोचिए बना, वो देख सामने कोई बत्ती चल रही है, मुझे लगता है वहां कोई है। चल चल के देखते हैं। आराम से, आराम से। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। भाई कमाल है, इतने वीराने जंगल में कौन रहता है? कोई ना कोई तो रहता होगा ना। हाँ कोई ना कोई तो रहता ही होगा। अरे कोई है? अरे भाई साहब कोई है? कोई आवाज नहीं आ रही। अजीब सी बात है, बत्ती भी जल रही है और सूरज, 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 तो आखिर तुम आए गए सूरज? मुझे तुम्हारा इंतजार था सूरज, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे।
बाबा सूरज। आप कौन है बाबा? और ये सूरज कौन है? मेरा नाम राज है, राज मल्होत्रा, सूरज नहीं। तुम्हें पारो याद है सूरज? पारो? वो पारो जिसके बिना तुम एक पल भी नहीं रह पाते थे। अरे वो पगली भी तो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी। बाबा आप ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? कौन पारो, कौन सूरज और ये कैसी मोहब्बत? क्या कहा? तुम्हें अपनी मोहब्बत याद नहीं? वो पारो याद नहीं? वो पारो जो आज भी तुम्हारी याद में जगह जगह भटकती है और तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। राज चलो यहाँ से, लगता है ये कोई पागल आदमी है। ठीक कहा बेटी, मैं पागल ही था। अरे वो मेरा पागलपन ही था, न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर दिया मैंने। ओ चलो राज, यहाँ कुछ देर और रुकेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। क्या सचमुच तुम्हें कुछ याद नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? पुनर्जन्म? हाँ पुनर्जन्म। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मरने के बाद अगले जन्म में अपने पुनर्जन्म की शक्ल सूरत लेके पैदा होता है, मगर उसे अपने पिछले जन्म की बात याद नहीं रहती। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि पुनर्जन्म में पिछले जन्म की कुछ धुंधली यादें रह जाती है। नहीं बाबा, मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं होता है। अपनी आंखों से देखकर यकीन करोगे? क्या मतलब? अगर सच जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, कि सच क्या है। हमें इस पुराने खंडर में क्यों लाए? यहां लाके हमें क्या दिखाना चाहते हैं? की शक्ल तो मुझसे मिलती जुलती है। ये मूर्ति तुम्हारी ही है। मेरी मूर्ति इस वीरान खंडर में? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इसे गौर से देखो सूरज, ये तुम्हारी ही मूर्ति है। और इस मूर्ति में जो तुम्हारे साथ लड़की है वो तुम्हारी पारो है। तुम्हारी पारो, तुम्हारी मोहब्बत पारो, तुम्हारी जिंदगी पारो। बाबा बाबा ये सब क्या चक्कर है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल कहता है कि मैं आपकी बात पर यकीन करूं, लेकिन दिमाग दिमाग इस बात को मानने से इनकार करता है। सूरज तुम्हारा दिल भी यकीन करेगा और वो तुम्हारा दिमाग भी एतबार करेगा। आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ, आओ। चलो यार।
ये सालों पहले की बात है। चंदनपुर में राजा इंद्रजीत सिंह का राज हुआ करता था और मैं उस जमाने का श्रेष्ठ शिल्पी हुआ करता था। राजा इंद्रजीत सिंह की एक महत्वाकांक्षा थी, वो एक ऐसा अद्भुत मंदिर बनाना चाहते थे कि जिसमें सिर्फ काम क्रिया दर्शाने वाली मूर्तियां हो, जिसे देखकर लोगों को काम क्रिया का ज्ञान मिल सके। और एक दिन उन्होंने अपनी ये इच्छा मुझे बताई। नाम और शोहरत की भूख किसे नहीं होती। मैं सहसा तैयार हो गया। चंदनपुर के जंगलों के बीच इस हसीन पहाड़ियों पर उन्होंने मंदिर बनाने का आदेश दिया और मैंने पत्थर तराशना शुरू कर दिया अपनी कल्पना को साकार करने के लिए। मैंने तुम दोनों को पहाड़ी की एक गुफा में कैद करके अपना काम शुरू कर दिया। सूरज पारो, तुम एक पवित्र काम कर रहे हो। इस काम के लिए आने वाला कल तुम्हें हमेशा याद करता रहेगा। तुम जो काम कर रहे हो वो काम एक काम नहीं तपस्या है, और जिस तरह तपस्या त्याग और समर्पण के बिना संपन्न नहीं होती, ठीक उसी तरह इस काम के लिए भी त्याग और तपस्या अति आवश्यक है। हो सकता है तुम्हारा धैर्य टूट जाए और तुम्हारे अंदर की तभी हुई वासना तुम पर हावी हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए हर हाल में तुम दोनों को अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी का काम हम यही समाप्त करते हैं। कल सुबह आगे का काम करेंगे, और अब तुम भी आराम कर लो। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, जब तक मेरी इजाजत ना हो तुम इस वन्य के बाहर नहीं जाओगे, ठीक? सूरज, ये क्या हो गया? सूरज, हम लोगों की हालत पिंजरे में कैद पंछियों जैसी हो गई है। सच कहा तुमने पारो, कितने खुश थे हम, आजाद पंछियों की तरह, जब चाहे कहीं पर भी जा सकते थे। कितने खुश थे ना हम, लेकिन अब ना जाने हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई। पारो, हमारी हालत उस इंसान की तरह है जो नदी के किनारे रहकर भी प्यासा रहता है। सूरज, मैंने तय कर लिया है, हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। हम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ हमारे प्यार के बीच कोई दीवार न हो, सिर्फ मैं
और तुम और कोई नहीं। तुम ठीक कह रही हो पारो, आखिर कब तक हम इस तरह घुट घुट के जीते रहेंगे, कब तक? तो फिर वादा करो सूरज, चाहे कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, धूप हो या छांव हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डरता हूँ पारो, डरता हूँ अगर फिर भी हमें इस जालिम जमाने ने जीने ना दिया तो। माना कि ये दुनिया हमें साथ जीने नहीं देगी, मगर हम साथ मर तो सकते हैं। वादा करो सूरज, हम साथ जिएंगे नहीं मगर साथ मरेंगे। मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ मैं। मैंने तो अब
है थाना मेरी हीरिये। कभी तेरा साथ मैं ना छोड़ना, हो कभी तेरा साथ मैं ना छोड़ना। जाए जग छूटे छूट जाए, चाहे लाख तू पाए मेरे रांझना, तेरे संग प्रीत में ना छोड़ना, तेरे संग प्रीत में ना छोड़ना। और अब रूठे रूठ जाए जग छूटे छूट जाए, कभी तेरा साथ मैं ना छोड़ना, ओ कभी तेरा साथ मैं ना छोड़ना। हिम्मत कैसे हुई एक दूसरे के इतने करीब आने की? क्या तुम लोग भूल गए कि मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि एक दूसरे से दूर रहना? सूरज उठो, सूरज, सूरज उठो। पारो, तुमने मेरे सूरज को मारा, तुमने मेरे सूरज को मारा। सूरज उठो, सूरज तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, उठो सूरज, सूरज, तुमने मेरे सूरज को मारा। अपनी मौत का ये खुद जिम्मेदार है, काश इसने मेरे उसूलों को तोड़ने की कोशिश न की होती। तुम चलो मेरे साथ, नहीं, सूरज मर चुका है, छोड़ दो मुझे। चलो, नहीं नहीं, मैं अपने सूरज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे। पागल मत बनो, चलो चलो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। राज शिल्पकार, तुमने दो सच्चे प्रेमियों को जुदा किया है, हमारी मोहब्बत पाक मोहब्बत थी। मैं सूरज के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं भी अपनी जान दे दूंगी। पारो चलो मेरे साथ, पागल मत बनो, चलो चलो मेरे साथ। चुप, खबरदार जो एक शब्द और बोला, तुमने जो बोलना था बोल चुके, अब जो बोलूंगी मैं बोलूंगी। तुमने जो करना था कर चुके, अब जो करूंगी मैं करूंगी। शिल्पी, तुमने एक बहुत भयानक अपराध किया है और मैं तुम्हें इस अपराध की भयानक सजा दूंगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पारो, पारो, नहीं, नहीं पारो, नहीं, नहीं, पारो, नहीं पारो, पारो, नहीं, नहीं, नहीं। क्या अभी तुम्हें कुछ याद नहीं आया सूरज? सूरज, सूरज,
क्या अभी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? बाबा मुझे सब याद आ गया, सब याद आ गया बाबा मुझे। पारो पारो बाबा। हाँ सूरज। बाबा क्या क्या आप मुझे मेरी पारो के पास ले जा सकते हैं? मुझे मुझे उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना है बाबा। वो मेरा इंतजार कर रही है बाबा। पारो मेरा मेरा वो इंतजार कर रही है बाबा। आगे की यही तो विडंबना है, जीते जी तो वो तुम्हें नहीं पा सकी, परंतु मरने के बाद आज भी वो यही तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। बाबा मैं कुछ समझा नहीं। हाँ सूरज, पारो की रूह आज भी चंदनपुर के इन भयानक जंगलों में भटक रही है। उसने मरते मरते ये श्राप दिया था कि आज के बाद चंदनपुर के किसी भी प्रेमी की मोहब्बत को परवाह नहीं चढ़ने देगी। मतलब पारो ने आज तक न जाने कितने युगल प्रेमियों की जान ली। कहीं समीर और सिमरन भी तो? हाँ बेटी, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। तुम्हारे साथियों की मौत इसी पहाड़ी से गिरकर हुई थी। उन्होंने इस इलाके में आकर प्यार करने की जुर्रत की थी, पारो के वचन को भंग करने का प्रयास किया था। पारो इस इलाके में और किसी को मोहब्बत करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मौत के खेल को सिर्फ तुम रोक सकते हो सूरज, सिर्फ तुम। पारो और सूरज का मिलन जब तक नहीं होगा, तब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चंदनपुर को उसके श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन राज और पारो का मिलन कैसे होगा बाबा? पारो तो मर चुकी है। इसका भी उपाय है बेटे। पूर्णमासी की रात को इस जंगल में एक सिद्ध बाबा आते हैं, हमें उनसे मिलना होगा, वही इसका कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है बाबा, मैं पूर्णमासी की रात को यहां आऊंगा। मुझे हर हाल में पारो की आत्मा को मुक्ति दिलानी है। हाँ बेटा, चलता हूं बाबा। Oh
रुकिए साहब, रुकिए रुकिए, वो पारो नहीं है, उसकी आत्मा है साहब। मुझे बताइए, मेरी मेरी पारो मुझे बुला रही है, पारो। ये तो पारो की रूह है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं इन वक्त पर आ गया, नहीं तो आप नहीं। अगर आप सच्चाई जानते थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कम से कम मेरे चारों साथी मरने से बच जाते। मैं इसलिए खामोश था, अगर आपको बता देता तो आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होता। अरे लेकिन लेकिन मुझसे कहना तो चाहिए था आपको। बुढ़ा हो गया हूं ना, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, और जब मैंने पहली बार आपको देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कहीं ये मेरी नजरों का धोखा तो नहीं है। जब यकीन हुआ तब मैंने ये बात जाकर शिल्पी को बताई, उसे भी यकीन नहीं हुआ। तब जाकर मैंने आपकी तस्वीर दिखाई, उसके बाद हालात कुछ इस तरह बने कि बताना चाहकर भी आपको बता नहीं सका। डरता था कहीं आप कुछ और न समझ बैठे। अरे काश काश आपने मुझे बता तो दिया होता। सच तो ये है साहब, अगर कल रात आप जंगल में शिल्पी से न मिले होते तो आज भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता। राज, हम लोग और एक पल भी इस गांव में नहीं रुकेंगे, आज ही इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। पागल मत बनो सोनिया, ये मत भूलो कि हमने अपने चार दोस्तों को खोया है, चार दोस्तों को, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। ना हम उन्हें यहाँ लाते और ना ये सब होता। उनकी मौत का दुख मुझे भी है राज, पर अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नहीं सोनिया, दो दिन की ही तो बात है, परसों पूरम मासी की रात है, हम लोग बाबा के साथ मिलके पारो की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। सच तो ये है सोनिया कि पारो की आत्मा को मुक्ति दिलाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। सच्ची मोहब्बत, ये अलग बात है कि मैंने दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन तकदीर का खेल देखो, तकदीर मुझे फिर से खींच कर चंदनपुर ले आई। शायद इसीलिए कि मैं अपने हाथों से पारो की आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। अब तुम ही बताओ सोनिया, ये सब सच जानने के बाद क्या मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ लूं? नहीं सोनिया, नहीं साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ही पारो को मुक्ति दिला सकते हैं, और साथ ही साथ उसके हिसाब से चंदनपुर भी मुक्त हो जाएगा साहब। ठीक है राज, हम रुक जाते हैं, लेकिन सिर्फ दो दिन के लिए राज। हाँ सोनिया। जैक, तुम खामुखाम परेशान हो रहे हो, मुझे तो शिल्पी की बातों में सच्चाई लग रही है, और वो वॉचमैन भी तो वही कह रहा था। उसने मनगढ़ंत कहानी सुना दी और तुम सब लोगों ने यकीन कर लिया। ये बात मत भूलो के राज ने ही ये कबूल किया है। नादान है, भोला है, जो शिल्पी की बातों पर यकीन कर रहा है वो। इसका मतलब कि वॉचमैन भी झूठ बोल रहा है। हाँ जूली, हाँ मुझे लगता है कि शिल्पी और वॉचमैन दोनों मिले हुए हैं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उन दोनों का हाथ है। तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया है, तुम सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। तुम चलो मेरे साथ, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। नहीं, पारो मुझे तुम क्यों इस तरह तड़पाती हो, मुझे चैन से जीने भी नहीं देती और मुझे मारती भी नहीं, मुझे क्यों तड़पाती हो पारो? पारो पारो मुझे कब मुक्ति मिलेगी? पारो मुझे कब मुक्ति मिलेगी? पारो चुप।
अरे तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बहुत डर लग रहा है मुझे। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? I love you, Julie. I love you too. Julie. हाँ? ये कौन है? ये कौन आ गया? चलो, चलो चलते हैं यहाँ से। जूली लगता है ये तो पारो है। हाँ, चलो भागो। जूली? चलो, जल्दी चलो। चलो जल्दी भागो। उठो। अरे, जूली चलो, चलो जूली जल्दी भागो। ये हमें जुदा कर डालेगी। हाँ। लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ जूली। हाँ। चलो जल्दी भागो जूली। भागो। चलो, चलो जल्दी, भागो। जूली जल्दी भागो तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। भागो जैक। लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, हम साथ जिए तो साथ ही मरेंगे। हाँ, जैक। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ जूली। परो, 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 ये क्या कर रही है? हमें जुदा मत करो। परो, हमें छोड़ दो। परो, परो, छोड़ दो हमें। बाबा, वो जैक और जूली इसी तरफ आए क्या? तुमने आने में देर कर दी बेटा, पारो अपना काम कर चुकी, वो दोनों अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? नहीं, वो नहीं मर सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने कानों से उनकी आखिरी चीख सुनी। नहीं बाबा, उनको उनको कुछ नहीं हो सकता बाबा। जैक, जूली, सोनिया, आई कांट। अपने आप को संभालो राज, हिम्मत से काम लो। नहीं सोनिया, तुमने तुमने सच कहा था, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए था। कम से कम जैक और जूली तो बच जाते। बाबा, होनी को कौन टाल सकता है बेटा, उसके आगे किसी का सूर नहीं। न जाने पारो की जिद और कितनों की जान लेकर रहेगी। आयुष्मान भव। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। प्रणाम। ये आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज, आप नहीं जानते ये लोग कैसी मुसीबत में फंसे। ये राज है महाराज, जिसको आपने आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया, मौत पल पल उसके करीब होती जा रही, किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती। और ये सोनिया, सोनिया उसकी प्रेमिका, जिसको आपने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। बाबा, जब राज ही नहीं रहेगा तो ये सौभाग्यवती कैसे रहेगी? बाबा, ये सौभाग्यवती कैसे रहेगी? इन्हें बचा लो बाबा, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो बाबा। हम सब कुछ जानते हैं शिल्पकार, सूरज और पारो की पाक मोहब्बत, राज और सोनिया का प्यार और उनके दोस्तों की मौत, सब कुछ। बाबा, अब आप ही हमें इस संकट से उबरने का उपाय बता सकते हैं। बाबा, अब आप ही बता सकते हैं। बाबा, इन बच्चों पर दया कीजिए, इन बच्चों को बचा लीजिए। बाबा, इन्हें बचा लीजिए। घबराओ नहीं वत्स, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। राज, पारो ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, उसका प्यार बिल्कुल पवित्र है, और यही वजह है
कि उसकी भटकती रूह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और अब वो किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहती है, अपना बनाना चाहती है, और इसके लिए उसके पास एक ही रास्ता है, तुम्हारी मौत। नहीं, राज को कुछ नहीं हो सकता। तुम राज की जान बचाना चाहती हो? हाँ बाबा। किसी भी कीमत पर? किसी भी कीमत पर। तो ठीक है, तुम्हें अभी इसी वक्त राज से शादी करनी पड़ेगी। क्या बाबा, शादी और इस वक्त? ये कैसे हो सकता है बाबा? पारो से राज की जान बचाने का बस यही एक तरीका है। पवित्र पतिव्रता स्त्री पर पारो की शक्ति का कोई असर नहीं होगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या ऐसा करने से वो चुप हो जाएगी, राज को पाने की कोशिश नहीं करेगी? जरूर करेगी, वो तुम्हें भी डराएगी, तकलीफ देगी और राज को अकेला देखकर उस पर वार करेगी। इसलिए हर वक्त तुम्हें राज के साथ रहना होगा। बाबा, हम कब तक इस तरह उससे डरते फिरेंगे? जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। कल एकादशी है, कल मध्य रात्रि को इसी जगह पर हम पारो की आत्मा की शांति के लिए उसकी रूह का आह्वान करेंगे, उसे बुलाएंगे और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन बाबा, क्या वो आएगी? उसे आना ही होगा और कुछ चीजें तुम्हें लानी होगी। कब तक मुझे इस तरह तड़पाती रहोगी पारो? सालों बीत गए, तुमने मुझे एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। इस जंगल में मुझे कैद कर रखा है। इससे बेहतर है कि तुम मुझे मार डालो। तुम मुझे मार डालो पारो, तुम मुझे मार डालो। सोनिया, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओम हेम हीम क्रीम चामुंडाय विचाय नमः। ओम हेम हीम क्रीम चामुंडाय विचाय नमः। ओम हेम हीम क्रीम चामुंडाय विचाय नमः। बरसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम जरूर आओगी, जरूर आओगी। पारो, ये सूरज नहीं, राज है, राज।
नहीं, राज ये तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो ये सूरज है, सूरज। नहीं पारो, इस वक्त तुम मेरी मंत्र शक्ति के पवित्र घेरे में हो, इससे बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना जलकर भस्म हो जाओगी। नहीं पारो, प्रकृति के कुछ विशिष्ट नियम हैं, जिससे ये सृष्टि बनती है। इंसान जन्म लेता है और फिर मरता है, फिर उसी जन्म से मुक्त होकर नए जन्म में प्रवेश करता है, मगर बरसों बाद भी तुम्हारी आत्मा इस जन्म से मुक्त नहीं हो सकी है, जिसके कारण तुम आज भी उस रूप और आत्मा को लेकर भटक रही हो। आज हम तुम्हारी आत्मा को इस जन्म से मुक्त कर देंगे। नहीं, मैं सूरज को पाए बिना यहाँ से कभी वापस नहीं जाऊंगी। इस दिन के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है। पारो, ये तुम्हारा सूरज नहीं, राज है, राज। जिस रूप को तुमने प्यार किया था पारो, वो सूरज था, मैं राज हूं, राज। पारो, अब तुम्हें इस रूप को छोड़ना ही होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। भगवान तुम्हें शांति दे। पारो की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, उसे दोबारा नया जन्म और नया रूप मिलेगा। शिल्पी, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी साथ में। चलो ये भी अच्छा हुआ, पारो ने तुम्हें भी शाप से मुक्ति दे दी। जीते रहो।